नीतीश कुमार इनकार भी कर रहे हैं और इजहार भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सियासी इनकार और इशारों में इजहार के क्या मतलब हैं, ये समझाना बेहद ज़रूरी है। नीतीश कुमार ने भले यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया हो, लेकिन तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने का इशारा कर नई बहस छेड़ दी है। इनकार भी इजहार भी हैं क्या इरादे? हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है, समझ गए ना? नीतीश के शब्द बोले, तेजस्वी बिहार संभाले, नीतीश के होठों पर ऐसी बात। अपने लिए हम जरा भी नहीं, हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति का अंदाजा सियासत के माहिर खिलाड़ी भी नहीं लगा पाते। लेकिन एक चीज है जो नीतीश कुमार की खासियत है, वो इशारों में अपनी आगे की रणनीति जाहिर करने में बेहद माहिर है। नीतीश कुमार सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन इशारों में जरूर बता देते हैं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर दिया गया नीतीश कुमार का ये इशारा भी समझने की जरूरत है। हर चीज में हमको और लोगों को पढ़ाना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर इनकार कर दिया, लेकिन बिहार में युवा नेतृत्व को लेकर बड़ा इशारा किया। ये सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी, इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेजस्वी को आगे बढ़ाने वाले बयान पर जेडीयू असमंजस में है। जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार की दलील है कि बगल में थे तो कह दिया। हालांकि आरजेडी महागठबंधन सरकार बनने के फर्स्ट डे से ये दावा कर रही है, लिहाजा आरजेडी कोटे से मंत्री जयंत राज नीतीश कुमार के बयान पर गदगद। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, स्वाभाविक है कि नई पीढ़ी के लोगों को आगे लाना ही पड़ेगा, और हम लोग की परंपरा भी रही है, कोई नई बात तो कह नहीं रहे हैं। ठीक ही तो बोल रहे हैं, उसमें बुरा क्या बात है? युवाओं को मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी युवा हैं, हम लोगों को भी मुख्यमंत्री जी मंत्री बनाए हैं, युवा को तो मुख्यमंत्री अभी नहीं बहुत पहले से आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार के बयान को हर पार्टी अपने हिसाब से डिकोड कर रही है। बीजेपी पूछ रही है कि क्या मुख्यमंत्री को जेडीयू में कोई युवा चेहरा नहीं दिखा? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपने जो कहा है कि युवाओं को बढ़ाऊंगा आदरणीय तेजस्वी यादव जी के तरफ इशारा करके, तो क्या जनता दल यूनाइटेड में कोई इस तरह का युवा नहीं है? आप कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी के लिए आप कुछ भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा चुनाव होगा, ऐसे में अगर नीतीश कुमार को विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार बनाया जाता है तो जाहिर है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी। तो क्या ये बयान उसी संदर्भ में है? शैलेंद्र।